आज नेशनल डेंगू डे के दिन पर जान लेते हैं कि डेंगू से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारत में डेंगू के केसेस हर साल बढ़ते जाते हैं और कुछ लोगों की तो डेंगू से मौत भी हो जाती है। ये मच्छर से फैलने वाला इन्फेक्शन आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है अगर आप इसके बुखार को समझ ना पाए और इसको संभाल ना पाए। सबसे पहले तो इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो भी नॉर्मल वायरल फीवर की तरह या नॉर्मल फीवर की तरह फ्लू की तरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर के ऊपर रैशेज होना और रैशेज वापस से ठीक होके वापस आ जाना, उल्टी जैसा फील होना, साथ ही बुखार आना और काफी दिनों तक बुखार को रहना। जैसे ही आपको ये लक्षण अपने शरीर में देखने को मिले, आप सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं और इन लक्षणों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। आपको बता दें, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है उन्हीं का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है डेथ रेट के लिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आप अच्छे डॉक्टर के पास ही जाएं, अच्छी मेडिसिन लें, घर के नुस्खों पर भी ध्यान दें, पर दवाइयों को इग्नोर ना करें। आपने सुना होगा कि आसपास के लोग कहते हैं कि बकरी का दूध पीना चाहिए, हमें नारियल पानी पीना चाहिए ताकि हमारी प्लेटलेट्स बिल्ड होती रहे और हमारी बॉडी में एनर्जी आती रहे। पर इसके साथ साथ दवाइयों का भी खाना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि डॉक्टर जिस तरह से आपको दवाई देते हैं आप उसी तरह से लें। दवाई को अपने हिसाब से आगे पीछे ना करें। कोशिश करें कि आप दवाई का पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे आपका फीवर जा चुका है, रैशेज जा चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रैशेज और फीवर जैसे ही इन्फेक्शन थोड़ा कम होने लगता है वापस आ सकते हैं, और इसलिए कोशिश करें कि अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आप डॉक्टर के पास मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि डेंगू के साथ साथ मच्छरों से फैलने वाली बीमारी में मलेरिया भी आता है और मलेरिया भी सेम सिम्टम्स देता है। पर जितनी वीकनेस आपको डेंगू दे सकता है और जितना आपके शरीर को तोड़ सकता है उतना मलेरिया थोड़ा पीछे है। आपको बता दें कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपकी बोन्स तक को वीक कर देता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि डेंगू से बचने के लिए आपने कौन सा नुस्खा सुना है।